बड़ा मुश्किल होता है सामने मैयत बाप दी होवे मां दी होवे या किसी रिश्तेदार दी होवे बड़ा मुश्किल मरला होता है ते फिर बंदे छुपते ने या मगर जाके खड़े हो जाते ने कोई आंदा मैं कुछ पढ़िया ही नहीं मैं एवं खड़ा रहा क्यों खड़ा रहा क्यों राधी करता रहा अल्लाह ने रहमत फरमाई अल्लाह ने इनाम फरमाया एक बारी इंज होया कि मेरा हकीकी नाना फौत होया मैंने कहा गया आ तुसी जनाजे च जाओगे मैं आके जाना जाना क्यों नहीं जाना नाना जो होया तो जावांगे पढ़ोगे जनाजा मैं आखे जावांगे उत्थे ते जनाजे गाज ते जान दे फिर जनाजा का अंदर चले गए जनाजा रख दिता गया मैंने कहने लगे जनाजा तुसी पढ़ा लो दो जनाजे होंगे एक जनाजा आलो सुन्नत होएगा दूसरा जनाजा अपना होएगा ते तुसी जनाजा पहले पढ़ा लो मैं कहा ठीक जी फिर असी पहले पढ़ा मुसल्ला इमामत में आया ते आके क्या लोगो ए मेरा नाना है मुश्किल तो होंगे ना फिर थोड़ा जहा खून नू तेरा दिल नू सट ते वजदी है ना फिर कोई नहीं जानता था मुझे अपने गांव से बस्ती से बाहर कोई नहीं जानता था कोई नहीं पहचानता था न तारुफ था न पहचान थी न कोई जानने वाला था न कोई तकरीरें कोली को करना या सुनना या बुलाने वाला कोई नहीं था कहने लगे जनाजा पढ़ा दो मैं कह लोगों सुन लो ये मेरा नाना है तो यदा जनाजा मैं पढ़ाने वास्ते बुलाया गया है तो मैं बचपन अंदर सईना सिद्दीक उमर नू गालियां सुनिया सन इहदी जबान चों ते मैं दसो मैं जनाजा पढ़न जोगा है वा या नहीं मुझे जनाजा पढ़ना चाहिए या नहीं ये सिद्दीक उमर को बुरे कहते थे मुझे बताओ जनाजा पढ़ना चाहिए या नहीं बंदे कहते हैं नहीं तो मैंने कहा फिर चलो चले वापस जब मैं वापस पलटा ना जनाजा नहीं पढ़ा अल्लाह की कसम अल्लाह ने ऐसा जमीन से उठाया मुझे पता ही नहीं था अल्लाह ने कहां तक पहुंचा दिया अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग्सु लिल्लाह जरा अल्लाह वास्ते प्यार करो अल्लाह वास्ते मोहब्बत बिरादरी जानती है चाहे बिरादरी दोस्त जानते ने नाराज हो जान पार्टनर नाराज होते ने हो जान सेलमैन वो आप दुकान पे आते ने या ना आन तुम्हारी तो सारी जकातें भी वही सेलमैन खा जाते हैं बदअकीदा जकात मांगने जाए मदरसे वाले तो कहते हो साढ़े जनाब घर की नौकरानी की शादी सी असा उधर जकात दे छोड़ी तुम्हारी जकात भी नौकरानियाँ खा जाती है जिनका ना अकीदा है ना नमाज है ना दीन है ना इस्लाम है तुम्हारी जकात तो तुम्हारे सारे सेलमैन खा जाते हैं उनके मकान तो उनकी शादियां करते रहते हो